हमेशा अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा। पत्र में नारायण त्रिपाठी ने पुलिस द्वारा गरीब असहाय व्यक्ति के साथ की गई बर्बरता की शिकायत की और दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था। ये वीडियो मझगावा गांव के कोदू नामक व्यक्ति का है। वीडियो में कोदू कह रहा है कि गांव में उसके घर के सामने सरपंच ने काफी दिनों पहले नाली खुदवाकर छोड़ दी थी। उस नाली में बरसात का पानी भर रहा है। कोदू ने कहा कि उसने सरपंच से निवेदन किया है कि वो नाली को ढकवा दे, लेकिन सरपंच ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसे जेल में डलवा दिया। जेल में पुलिस वालों ने उसके साथ बदसुलूकी करके मारपीट की। एक महीना के नाली खोदी हुई है, चार जगह से बांधी भाठी है, वहाँ छोटे छोटे बच्चा और नाली में धस जाते हैं। सरपंच का कहन कि नाली बंधा दे, मर जाए लड़का बच्चा हमारा। कल हमसे सरपंच लपटा तो हम गुहार मारत भागी, दौड़ा दौड़ा सरपंच हमसे लपटा थे। हम खेत से आते तो एक हाथे में टांगी ले रही, एक हाथे में कागज, ताई से ले हम भागी गुहार मारत गांव का। आज हमें पुलिस उठा लाई, जबरदस्ती कह रहे हैं हम चल रहे हैं, तर दो घंटा हमें यघीच यहाँ बांखा। अपना से बताई इतना मारी, दो घंटा हम तीन बेर बेहोश हो गए, तो पानी सींच सींच उठाए उठाए मारा है। नारायण त्रिपाठी ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि गरीबों पर दबंगों के दबाव में अमानवीय पुलिस कार्रवाई की चारों ओर निंदा हो रही है। इस तरह की घटनाएं सभ्य समाज के लिए कलंक है। क्या गरीब होने का मतलब आज सिर्फ इतना ही रह गया है कि दबंगों की यातनाएं झेलो? विधायक त्रिपाठी ने लिखा, मुख्यमंत्री चौहान आपसे निवेदन है कि आप इस मामले की विस्तृत जांच करवाएं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।